हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी खत। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता एक नई वेब सीरीज लेकर आ रही हैं, जिसका नाम 1000 बेबीज है। बता दें कि ये एक डार्क थ्रिलर सीरीज है जिसमें साउथ एक्टर रहमान भी नजर आएंगे और फिल्म की कहानी काफी डरावनी और सस्पेंस से भरी है। वहीं ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी, हालांकि अभी तक इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है। साउथ इंडियन एक्टर नागार्जुन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक्टर के एक एन कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला दिया गया है। जी हाँ, 24 अगस्त की सुबह हॉल को गिराने का काम शुरू किया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि एन कन्वेंशन सेंटर को स्थानीय जलाशय पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से बनाया गया है। हाल ही में ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, मगर एक दिन बाद ही वो वापस इंस्टाग्राम पर लौट आई है और साथ ही ट्रोलर्स को सलीके से एक पोस्ट के जरिए तगड़ा जवाब भी दिया है। जी हाँ, आयशा ने इस पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए ट्रोलर्स को एक जवाब दिया है। बता दें कि वांटेड गर्ल सर्जरी के चलते ट्रोल हो चुकी हैं। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म 3-2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। वहीं सेक्नल के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने शुक्रवार यानी अपने 9th डे पर 17.5 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर ली है। हालांकि ये सभी आंकड़े शुरुआती हैं। वहीं इसकी टोटल बिजनेस 317 करोड़ रुपए हो चुका है। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पर बिंदु दारा सिंह ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। एक्टर ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फिल्म का टाइटल भले ही सेम रहेगा, लेकिन इसकी कहानी अलग होने वाली है और ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त और बहुत ज्यादा फनी भी होगी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। वहीं ये अवार्ड शो 3 दिन के लिए 27 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसे शाहरुख खान और करण जौहर मिलकर होस्ट करेंगे। बता दें कि आईफा अवार्ड्स को पूरे 23 साल हो चुके हैं और अब शो का 24वां वर्जन अबू धाबी में होने वाला है। क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेह का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने नई अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल 21 अगस्त को आयोजित एक अवार्ड इवेंट के दौरान रितिका नजर आई थी, जहां से उनके बेबी बंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद से उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ कियारा आडवाणी का एक नया एयरपोर्ट लुक तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान कियारा आडवाणी ने स्टाइलिश कोट सेट में कर्ली बालों के साथ एंट्री मारी थी। हालांकि कियारा आडवाणी का कर्ली हेयर स्टाइल फैंस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, जिस पर लोगों ने अपने जमकर रिएक्शंस भी दिए हैं। मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने पति रोहनप्रीत के साथ एक प्राइवेट वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क उठे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में सिंगर किसी क्रूज पर है और पति के साथ रोमांटिक मूड में नजर आ रही है। नेहा रोहनप्रीत सिंह की गोद में सिर रख कर लेटी है और वहीं अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें बेशरम बता रहे हैं और जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल का किरदार निभाने वाले एक्टर शरद संकला को लेकर हाल ही में ये खबरें आई थी कि वो शो को छोड़ रहे हैं। हालांकि शरद संकला ने एक इंटरव्यू में इन खबरों को खारिज किया है और खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये खबर बिल्कुल ही गलत है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और शो का हिस्सा बना रहूंगा। कहानी में अभी मेरा किरदार नहीं है, लेकिन अब्दुल जल्द ही वापसी करेगा। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।